ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद। इन टुडेज लेक्चर, ये जो 5 मिनट का जो लेक्चर है, इसमें मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप NCFM के लिए, जब आप कोई भी मॉड्यूल के लिए, वेदर यू आर गोइंग फॉर फाउंडेशन सीरीज, इंटरमीडिएट सीरीज, एडवांस सीरीज, हाउ यू विल रजिस्टर, कौन सी वेबसाइट है, आपको हार्ड कॉपी, आपको नोट्स कैसे मिलेंगे, स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा, बिकॉज दे हैव डिसकंटिन्यूड विद द हार्ड कॉपी। आजकल वो आपको सॉफ्ट कॉपी दे रहे हैं। मेरे ज़माने में मैंने जब रजिस्टर किया था तो उन्होंने मुझे हार्ड कॉपी दी थी। ये देखिए NCFM के, मैंने बड़े सारे मॉड्यूल्स को क्लियर किया, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स आई हैव क्लियर, यू नो। आई डिड CA, मैंने CA किया, CS किया, CMA किया, अमेरिकन, यूरोपियन, फिर उसके बाद यहाँ पर स्टॉक मार्केट। बट एट लास्ट 28 ईयर्स से मेरा बस एक ही शौक है कि मैं बार बार नए नए कोर्सेज कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मार्केट की ट्रेडिंग की बातें कर। तो आपको मैंने लास्ट 3 लेक्चर्स में या 3 और 4 काउंसलिंग सेशंस आई टोल्ड यू दैट NCFM इज स्पेसिफिकली फॉर बिगिनर्स। इफ यू डोंट हैव एनी नॉलेज, यू नो, तो आपको ये कोर्स करना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि वो 500 रुपए की जो सिर्फ आपको सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं, वो कहां पे इन्वेस्ट करनी है। वेदर इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन बिरला, वेदर इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन HDFC म्यूचुअल फंड, क्योंकि नीचे लिखा आता है ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स विल बी देयर। तो आपको पहले इन इस नॉलेज के लिए मैंने कहा जी NSE में चले गए। हम NSE में गए, यहाँ पर आ गया जी गेटिंग स्टार्टेड, आपको दिख रहा है यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड में मैं नीचे आया और मैंने यहाँ पर कहा कि भाई मेरे को क्या करना है, आई वॉन्ट टू अबाउट NSE अकेडमी देखना है, गेटिंग स्टार्टेड और NCFM देखना है, और NSE अकेडमी सर्टिफिकेशन मॉड्यूल्स, कोई भी जो भी मॉड्यूल्स आपको करना है। सपोजिंगली आई वॉन्ट टू गो फॉर यू नो सर्टिफिकेशन मॉड्यूल्स, तो मैंने इसको प्रेस किया। अब 3 मॉड्यूल्स आ गए, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, एडवांस, हाउ टू टेक अ टेस्ट। मैंने हाउ टू टेक अ टेस्ट को प्रेस किया और नीचे में आ गया जी हाउ टू टेक अ टेस्ट में फाउंडेशन, दिस इज दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हाउ टू टेक अ टेस्ट में रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया, और मैं धीरे धीरे आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को मैंने प्रेस किया और न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को मैंने प्रेस करना है और उसके अकॉर्डिंगली फिर मेरे को यहाँ पर सारे पर्टिकुलर्स फिलअप कर देने हैं और उसके बाद मैं उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट मॉड्यूल के लिए रजिस्टर हो जाऊँगा। दोस्तों मुझे एक बात बताइए आप, कि आप अगर स्टॉक मार्केट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू एंटर इनटू स्टॉक मार्केट, अगर आप बड़े फैसिनेटेड हैं, अगर आपके अंदर बड़ा पागलपन है स्टॉक मार्केट को लेकर, आप ये बताइए कोई भी चीज़ करने से पहले आपको उसकी ट्रेनिंग की, उसकी सर्टिफिकेशन की, उसकी नॉलेज की कंपल्शन रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती। आप जब ड्राइविंग का लाइसेंस लेते हैं तो पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनता है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर आपका मेन टेस्ट होता है, उसके बाद जाकर आपको कहीं लाइसेंस मिलता है। तो क्या ऐसा स्टॉक मार्केट में नहीं होना चाहिए, आपको क्या लगता है? बिकॉज स्टॉक मार्केट में आप 2 सिनेरियोज में एंटर कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली आपके पास पैसे हैं और आप डायरेक्टली गए एज ए क्लाइंट, आपने अपने ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन किया, डीमैट अकाउंट, और आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, हो सकता है। और दूसरा ये भी है कि आप दूसरों के पैसों से पैसे कमाना चाहते हैं तो पहले नॉलेज गेन करेंगे, पहले आप NCFM के कोर्सेज को करेंगे, फिर NISM के कोर्सेज को देखेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, एंड देन यू विल गेट दैट सर्टिफिकेट एंड देन यू विल एंटर इनटू दैट मार्केट एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट। आप बताइए लॉजिकली कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है? पैसा है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, बट द पॉइंट इज आपको नॉलेज लेकर आगे चलना है। मेरी बस यही आज के इस वीडियो के थ्रू आपको कहने की बात थी कि यू शुड डू सम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स। हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि कौन कौन से अलग अलग प्रोग्राम्स आपको पहले करने चाहिए। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।